गंगा विश्वेश्वरं काशी जागृति त्रेतयं यता तत्र नैश्रेयसीर्लक्ष्मी लभ्यते चित्रमत्र किम्। इस श्लोकार्थ है गंगा माँ और भगवान महादेव की पिंडी और काशी, ये तीनों जागृत हैं, तीनों जागृत हैं। भगवान विश्वेश्वर जागृत हैं, गंगा माँ जागृत है। तीन का एक साथ नाम लेने से, तीनों का एक संग नाम लेने से वर्णन किया गया, या श्रेयसी लक्ष्मीर लभ्यते, उनके घर में धन की कमी नहीं आती। तीनों का नाम लेने से गंगा विश्वेश्वरः काशी, गंगा मैया और विश्वनाथ काशी के, और काशी तीन। वह कीर्तन इसलिए किसी ने बड़ा विचार के बनाया होगा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, तीनों नाम है उसमें। इस श्लोक में भी लिखा है गंगा विश्वेश्वरः काशी जागृति त्रितयम् यथा, गंगा विश्वनाथ और काशी तीनों की अद्भुत महिमा अपने आप में है। जहाँ गंगा जी भगवान विश्वनाथ, ग्रंथाकार ने वर्णन किया है काशी, कितनी सुंदर बात कही है, स्वयं माँ अन्नपूर्णा काशी के रूप में प्रकट है। अन्नपूर्णा माँ का ध्यान करना, उनका स्मरण करना काशी में रहने की तरह। आज भी भगवान विश्वनाथ स्नान करके आते हैं, सबसे पहला दर्शन माँ अन्नपूर्णा का करते हैं, स्वयं भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा बन करके काशी में विराजते हैं। बड़े बड़भागी लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं जिनकी श्रद्धा काशी से जुड़ी है। जीवन को पतन से बचा करके जो एक बार भगवान विश्वनाथ का दर्शन करता है, भगवान विश्वनाथ उसकी दुर्गति नहीं होने देते, ऐसे भगवान विश्वनाथ हैं। चित्त की शुद्धि के लिए काशी विश्वनाथ का आश्रय लिया जाए, उनकी शरण में जाने से निश्चय ही मन के संपूर्ण मल, मन के संपूर्ण विकार समाप्त हो जाते हैं। यह इसकी महिमा है। सत्यलोक का बहुत बड़ा प्रभाव है। महात्मा अगस्त ने भगवान विश्वनाथ की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है, दूर दूर तक भगवान विश्वनाथ की महिमा का गाया है, को गाया है। इस ग्रंथ में विश्वनाथ की महिमा है, इस ग्रंथ में केदारेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। केदारेश्वर का ख्यान भगवान केदारनाथ की ऐसी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है, तो ये तो इसकी आप भूमिका आप सुन रहे थे। एक श्लोक इसका बोलने, तम मन मही महेशानम महेशान प्रियार्वकम गणेशानम करी गणेश नाना मनायायम। त्रिलोकपति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जहाँ जिस जगह पर तीन बार संध्या करते हैं, ब्रह्मा जी अपनी संध्या जिस जगह पर करने को जाते हैं उस जगह का नाम है काशी। विधाता ब्रह्मा तीनों कालों में जहाँ संध्या करने को जाते हैं, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और शाम की संध्या, वेदाता ब्रह्मा जिस जगह पर करते हैं उस जगह का नाम है श्री काशी। हम और आप तो बड़े बड़भागी हैं, हमारे मुंह से काशी का नाम निकल रहा है। इस ग्रंथ में आगे आप कल आप सुनेंगे, बहुत जल्दी शीघ्र ही पापों का नाश करने वाला श्री प्रयाग है, लेकिन प्रयाग में 100 बार डुबकी लगाएं और काशी में सिर्फ प्रवेश कर जाएं, एक बराबर फल श्रुति है। प्रयाग में 10,000 बार डुबकी लगाएं और काशी में गंगा जी का सिर्फ जाकर के आचमन कर लें, एक बार एक बराबर फल है। और प्रयाग में त्रिवेणी में 1,00,000 बार डुबकी लगाएं और काशी में विश्वनाथ के ऊपर 1 लोटिया गंगा जल चढ़ा दें, एक बराबर फल है महाराज।